exactly zero range, almost close to zero. ऐसे उसको हम क्या कहेंगे? Poisson distribution. Clear? अब चलो ध्यान से देखो. Types of scale और data और data. अब ध्यान से सुनना. इसके ऊपर paper one का जो research है, ये भी आपका उसमें included है. तो इसके साथ आपका subject का तो हो रहा है, paper one का भी हो रहा है. क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे कॉमर्स में, मैनेजमेंट में डिफिकल्ट. मैनेजमेंट में इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा फोकस होकर समझना. मेरे पास अलग अलग तरीका है डेटा को डिवाइड करने का. पहला प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. बहुत आसान है. ऐसा डेटा जिसको रिसर्चर खुद से फाइंड आउट करे या खुद से इन्वेस्टिगेट करे उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा. ऐसा जिसके ऊपर वो दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसी और की गई रिसर्च या किसी और की गई डेटा कलेक्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा. सभी को समझ में आया? अब हर टाइम हर रिसर्च में प्राइमरी डेटा अवेलेबल हो मैंडेटरी नहीं है, इसलिए रिसर्चर को किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? सेकेंडरी. जैसे अगर मुझे ये रिसर्च करना है कि इंडिया में इस साल कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो बिग टॉवर से अब मॉनसून सीजन जा चुका है, अब मैं चाहकर भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता. तो बिग टॉवर से इस सिचुएशन में मुझे किसी और के कलेक्टेड डेटा के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा. बट प्राइमरी डेटा ज्यादा जेन्युइन एंड ज्यादा रिलायबल होता है इसके कंपैरेटिवली, सेकेंडरी डेटा के कंपैरेटिवली. सभी को समझ में आया?